हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि पूछे जाने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं ऑप्शन इसका वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का भेदक प्रकीर्णन। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश का पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो है वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण है। और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का भेदक प्रकीर्णन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। समान द्रव्यमान के लोहे की लकड़ी की गेंदें वायुमंडल में समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि क्या होगा। इसका ऑप्शन ए है दोनों साथ साथ पृथ्वी पर गिरेगी। ऑप्शन बी है कि लकड़ी की गेंद पहले तथा वो लोहे की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन सी है पहले लोहे की गेंद न उसके पश्चात लकड़ी की गेंद गिरेगी। और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले लोहे की गेंद तथा उसके पश्चात लकड़ी की गेंद पृथ्वी पर गिरेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई नाव नदी से होकर समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है वह कुछ और नीचे चली जाती है। इसके बाद वह कुछ ऊपर उठ जाती है। इसके बाद सी ऑप्शन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है उसका ऊपर उठना अथवा नीचे डूबना उस पर रखे भार पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वह कुछ ऊँची उठ जाती है। तो ये सही आंसर होगा, नदी से समुद्र में प्रवेश करते समय नाव कुछ ऊपर उठ जाती है, ये आपका सही आंसर होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7 किमी/सेकेंड, ऑप्शन बी जो है 11.2 किमी/सेकेंड, इसके बाद ऑप्शन सी जो है वो 3×10^8 cm/सेकेंड, इसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 11.2 किमी/सेकेंड। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करते रहिएगा। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पृथ्वी के निकट चक्कर काटते उपग्रह का कक्षीय वेग कारणवश 41% बढ़ जाए तो क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या 41% बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है उसी कक्षा में उपग्रह कम आवर्तकाल से चक्कर काटेगा। ऑप्शन डी जो है उपग्रह कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपग्रह कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जो छठवां क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह का आप लोग जानते ही होंगे कि कौन सा वह ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी जो है वो शनि है, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी जो है शुक्र। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शुक्र, क्योंकि शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, रबड़ निम्नलिखित में से क्या होती है। तो रबड़ क्या होती है निम्नलिखित में से, ऑप्शन ए है आइसोप्रीन है, ऑप्शन बी जो है वो एथिलीन है, ऑप्शन सी जो है ब्यूटाडाइन है, और ऑप्शन डी जो है स्टाइरीन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आइसोप्रीन होगा इसका सही आंसर। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, डायनमो निम्न में से क्या कार्य करता है। तो डायनमो निम्न में से क्या कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन सी है एसी विद्युत के विभव में परिवर्तन करता है।
और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, इसका सही आंसर जो है वो है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित है, तो इसे सही बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, या ऑप्शन बी जो है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक न्यूटन पर किग्रा होता है, या धारिता का सी का ऑप्शन जो है कूलम पर वोल्ट होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम पर मीटर होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम पर मीटर होता है, यही एक सुमेलित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान होगा, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0 अंश, ऑप्शन बी जो है वो होगा 45 अंश, और ऑप्शन सी जो है वो 90 अंश, और ऑप्शन डी जो है वो 80 अंश। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 90 अंश। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 अंश होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, निर्वात में होता है, या ऑप्शन नंबर बी वायु में होता है, या ऑप्शन नंबर सी ये कांच में, या ऑप्शन नंबर डी सब में समान होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्वात में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो सुमेलित करना है, ये कौन सा किसके साथ मैच करेगा, मिलान करना है। तो ये एक तरफ दिया हुआ है भौतिक राशियां दिया हुआ है, और एक तरफ उनके मात्रक दिया हुआ है। तो घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट आंसर इसका दे दिया है, और इस तरह से आंसर है घन कोण का मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन हो जाएगा। इसके बाद आवेग का मात्रक जो होता है वो हो जाएगा 3 नंबर का, ये न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद श्यानता गुणांक का जो मात्रक है वो ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, पास्कल सेकेंड हो जाएगा। और इसके बाद दाब का जो मात्रक है वो पास्कल होगा। तो ये मात्रक वगैरह तो आप लोग याद करेंगे ही, क्योंकि ये मात्रक भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन है वो उसे देखते हैं, तो आवर्धक कांच की भांति प्रयुक्त किया जाता है, तो आवर्धक कांच की भांति क्या प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा दर्पण को प्रयोग करते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, और इसके बाद देखते हैं डी ऑप्शन जो है अभिसारी लेंस। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिसारी लेंस का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं रडार उपयोग में आता है, तो रडार का उपयोग क्या है, रडार का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन बी जो है ध्वनि तरंगों का परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, इसके बाद रेडियो तरंगों का द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए जो है वो है बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण, ऑप्शन नंबर बी है वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर सी है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के माध्यम प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 16 क्वेश्चन है ये 16वां नंबर का, तो इसका सर्किट ब्रेकरों में ब्रेकिंग कैपेसिटी को सामान्यतः दर्शाया जाता है, तो सामान्यतः किससे दर्शाते हैं हम सर्किट ब्रेकरों की ब्रेकिंग कैपेसिटी को, तो ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है मेगावाट, और
ऑप्शन डी है। यहाँ देखिए एमबीए होगा, यहाँ पर यू की जगह पर भी हो जाएगा, ये मिस्टेक से हो गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एमबीए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चार विकल्पों में से एक कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लीटर हो गया, इसके बाद आयतन हो गया, इसके बाद मीटर हो गया, और अगला है ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है वो सेकेंड हो गया। तो इसका जो अन्य ऑप्शन से भिन्न है या अन्य तीन ऑप्शन से भिन्न है वो आंसर है आयतन। आयतन इन तीनों ऑप्शन से भिन्न है क्योंकि ये तीनों मात्रक है दिया हुआ। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिंडों को अवशिष्ट करने के लिए जिम्मेदार कारक है, तो जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं जो पिंडों को अवशिष्ट करते हैं? इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, ऑप्शन बी जो है न्यूट्रॉनों का अंतरण, ऑप्शन सी जो है प्रोटॉनों का अंतरण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। इसके बाद देखते हैं कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है, ऑप्शन इसका है प्रेरकत्व युक्ति है, ऑप्शन बी जो है वो निर्धारित युक्ति है, ऑप्शन सी जो है प्रतिरोध युक्ति है, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रतिरोध युक्ति है, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक टेप गैर आयरन ऑक्साइड की कितनी मोटी परत चढ़ी होती है? तो मैग्नेटिक टेप की आयरन ऑक्साइड की कितनी मोटी परत चढ़ी होती है? यहाँ पर देखिए पर होगा, एक गर लिखा गया है मिस्टेक से। मैग्नेटिक टेप पर आयरन ऑक्साइड की कितनी मोटी परत चढ़ी होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 इंच, ऑप्शन नंबर बी है 0.005 इंच, इसके बाद ऑप्शन नंबर थ्री है 0.1 इंच, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.005 इंच। इसके बाद अगला देखते हैं। ध्रुवण होता है, तो ध्रुवण होता है किसमें होता है ध्रुवण? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है, या ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंगों में भी ध्रुवण होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों में होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो ये तो जानते ही होंगे, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड NH2, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी SO2 है, ऑप्शन नंबर डी है N2O। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की गंध आती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है ट्रायोड का प्रयोग होता है, ट्रायोड का प्रयोग होता है तो किसमें होता है? एम्पलीफायर के रूप में होता है, या दोलित के रूप में होता है? ऑप्शन नंबर सी देखते हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसमीटर के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी है वे सभी में। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, क्योंकि ट्रायोड का प्रयोग एम्पलीफायर और दोलित्र और ट्रांसमिशन के रूप में होता है। इसके बाद अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन जो है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ऑप्शन बी है उसमें जल अपघटन हो सकता है, उससे ऑप्शन सी है उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसमें तारों में खराबी आ सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप लोग उस लिंक से PDF वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, सुमेलित करें दृष्टि दोष निवारक लेंस। एक तरफ दिया हुआ है दृष्टि दोष दिया हुआ है, और एक तरफ दिया है निवारक लेंस, तो कौन सा दोष होता है? और एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा, यहाँ देखिए मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर दृष्टि दोष की जगह पर सूची 1 होगा और यहाँ निवारक लेंस की जगह पर सूची 2 हो जाएगा। तो
तो इसमें ये देखना है कि किसका कौन सा वैल्यू होता है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिया है, डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है। तो रक्त किरण का जो वैल्यू वैल्यू होता है वो 1 × 10⁻⁶ होता है। एक्स किरणें का जो होता है वो 5 × 10⁻⁷ होता है। दृश्य प्रकाश का जो है होता है वो 1 × 10⁻⁹ होता है। और इसके बाद पराबैंगनी किरण का जो होता है वो 1 × 10⁻⁷ होता है। तो इस तरह से आज का टॉप 25 क्वेश्चन पूरे हुए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ और आप सबको नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, उन सब वीडियो के साथ मैं मिलूँगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जहाँ पर भी अगर आप लोगों को असुविधा हो तो वहाँ पर आप लोग बता भी सकते हैं या फिर सुझाव अपना दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आप लोग मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए तो यहाँ नीचे दिया हुआ है www.youtube.com/selfguidestudycenter, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब का आइकन आपको दिखाई देगा, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ जाकर। इसके बाद अगर फेसबुक के पेज से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पर से भी जुड़ सकते हैं आप, यहाँ लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी वीडियो का PDF। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।